सभी को नमस्कार। मेरा नाम राजेश है और मैं राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय लालपुर झुंझुनू राजस्थान में गणित विज्ञान विषय के अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करने वाले हैं उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर गणित विषय का अध्यापन करवाते समय क्षेत्रमिति में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए। चूँकि क्षेत्रमिति में द्विविमीय आकृतियाँ और त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं और अक्सर बच्चे उनके सूत्रों को रटते हैं, जिसके कारण उनके आंकिक प्रश्न गलत हो जाते हैं। यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच है और शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। तो इन दोनों में जो अंतर संबंध है उसको अपन यहाँ प्रायोगिक तौर पर करके देखेंगे। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। जैसे यहाँ हमारे पास दो कार्डशीट हैं और ये कार्डशीट से हमने एक शंकु बना लिया। शंकु जो है अपन शुरुआत में किसी भी ऊंचाई का बना सकते हैं। इसके लिए हमको सेलो टेप की आवश्यकता होगी इसको चिपकाने के लिए, और यहाँ अपन इसको कैंची से इसको काट करके इसकी जो परिधि है उसको बिल्कुल राउंड शेप में ले लेंगे, जैसा कि अपन ने यहाँ पहले बना रखा है। ठीक है, इस प्रकार से अपन ने ये बना लिया। दूसरा, अपन यहाँ एक बेलन बनाने के लिए दूसरा कार्ड शीट लेंगे और इसको अपन सेलो टेप से इस प्रकार से चिपका करके पूरा एक बेलन बना लेंगे। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि इनकी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई जो है हाइट है और जो त्रिज्या है वो एक समान होनी चाहिए। त्रिज्या का मापन अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं क्योंकि इनकी जो परिधि है, ठीक है, दोनों की जो परिधि है वो बराबर है, इसका मतलब दोनों की त्रिज्या भी बराबर है। तो यहाँ पर अपन इसको प्रायोगिक तौर पर अपन देखें तो अपन ये कह सकते हैं कि बेलन का जो आयतन है वो शंकु के आयतन से 3 गुना होता है, या फिर अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि शंकु का आयतन जो है बेलन के आयतन से 1/3 होता है, जैसा कि अपन सूत्र में देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो शंकु का जो आयतन, यानी कि शंकु के अंदर आने वाली, समाहित होने वाली कोई भी पदार्थ या वस्तु है, इसके लिए अपन यहाँ पर चावल ले सकते हैं, गेहूँ ले सकते हैं या अन्य कोई वस्तु ले सकते हैं। तो अपन इसको अगर 3 बार फिलअप करेंगे और इसमें अपन डालेंगे तो ये पूरा फिलअप हो जाएगा, पूरा भरा जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपन करके देखते हैं। इसको अपन को पूरा फिलअप करना है। ये अपन ने इसको 1 बार भरा और ये जो शंकु है इसमें अपन ने इसको डाल दिया। ठीक है, फिर अपन ने इसको दोबारा दूसरी बार इसको अपन भरते हैं। ये अपन ने इसको दूसरी बार इसको फिलअप कर रहे हैं। और अब तीसरी बार इसको अपन, क्योंकि अपन ने अभी बताया है कि ये इसका 1/3 है, शंकु जो है वो बेलन का 1/3 आयतन रखता है यदि ऊंचाई और त्रिज्या समान हो, तो अपन इसको 3 बार फिलअप करते हैं तो ये पूरा भरा जाएगा। ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर ये शंकु और ये जो बेलन है, इन दोनों में जो अंतर संबंध है आयतन का, वो यहाँ पर इसका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होता है। अतः हम इस नतीजे पर आ सकते हैं या ये कह सकते हैं कि यदि ऊंचाई दोनों की, हाइट जो है वो बराबर है और त्रिज्या एक समान है, तो इन दोनों का जो सूत्र है वो अपन इसको करके समझ सकते हैं। अब हमें रटने की आवश्यकता नहीं है, हमने इसको प्रायोगिक तौर पर करके देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।